तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी का सबसे के जानचल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ब्रांड न्यू मोबाइल्स। अभी तक आप सेकेंड हैंड मोबाइल्स तो बहुत सारी वीडियोस देखते हो, क्या होता है कि ब्रांड न्यू मोबाइल अगर आपको मिल जाए 5,000, 7,000, 10,000 कम के अंदर तो कितनी अच्छी बात होगी। 30,000 वाला मॉडल 22,000 में मिल जाए या 15-17 हज़ार वाला मॉडल 11-12 में मिल जाए पूरी कंपनी वारंटी के साथ, तो आज वही सब चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो सारे यहाँ पे ओपन बॉक्स कैटेगरी वाले फ़ोन हैं और सारे ब्रांड न्यू हैं। मिनिमम 10 महीने की वारंटी तो सब पे रहती रहती है, किसी पे 11, कोई कोई अनएक्टिवेट भी होता है। तो सारे आप ले सकते हो, रिटेल भी होलसेल भी। रिटेल के लिए यहाँ विजिट करना पड़ेगा, जो स्टॉक अवेलेबल होगा उनमें से आप ले सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो भैया, क्या हाल है जी? बढ़िया, आप बताइए। तो सर आज क्या कमाल करने वाले हो आज की वीडियो? आज मोबाइल लेके आए हैं भैया। तो आज को मैं आपको दिखा देता हूँ आज कितनी सारी क्वांटिटी में मोबाइल्स आपको दिखेंगे। ये पूरी पेटी धाई की धाई है पीछे, ठीक है। नीचे भी देखोगे, इधर भी देखोगे, इधर भी देखोगे, इधर भी देखोगे, और यही नहीं, इस साइड्स कीबोर्ड्स वाले भी मिल जाएंगे और पीछे भी, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट है सर आज का? आज का कॉन्सेप्ट यही है, हम आपके लिए मोबाइल लेके आए हैं। ओके। टोटली होलसेल पे है, वही अपना जो कॉन्सेप्ट चलता है। और प्लस आज मैं आपको सारे मोबाइलों का अपना एक एक का रेट बताऊंगा। और रिटेल वाले भाइयों के लिए? रिटेल वाले भाइयों के लिए वही थोड़ा सा इशू आता है कि हम लोग मैनेज नहीं कर पाते, फिर भी अगर कोई आता है कोई जो हमारे पास पॉसिबल होगा तो हम देंगे उसको। मतलब कोई अगर विजिट करता है इधर, करंट में कुछ ना कुछ स्टॉक रहता ही है। हाँ, जो से आपको जो अवेलेबल होगा वो हम दे देंगे, बट ये ना हो कि भाई वो दूर से आए हमारे लिए एक्सपेक्ट करके आए तो आने के बाद उनको दुख हो, तो ऐसा हम लोग नहीं चाहेंगे। ठीक है, जो हमारे पास रखा होगा हम देंगे। हाँ बिल्कुल, जो देंगे और जो भी देंगे हम वो भी होलसेल के प्राइस पे ही देंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनको उसका प्राइस कुछ और मिलेगा, इसका कुछ और, ऐसा नहीं होगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई, ऐसी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सर। जी, इस बार शुरू करते हैं। एक बार सबसे पहले शुरू करते हैं अपा सस्ते मोबाइलों से। ओके। जो मतलब एंड्रॉइड में सस्ते मोबाइल आते हैं, जियोनी का मैक्स है। ओके। ये आपको पड़ता है 4200 रुपये का, मात्र 4200 रुपये, मात्र 4200 रुपये का। और एक बार मैं दिखाना चाहूँगा जो भी होगा, कंडीशन जो भी होगी बिल्कुल ब्रांड न्यू होगी, कोई स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं होगा किसी भी तरह का, कोई स्क्रैच नहीं कुछ नहीं, पूरा ब्रांड न्यू मिलने वाला है मात्र 4200 रुपये यहाँ से जी, विद एसेसरी। ठीक है, विद एसेसरी और सारे ये ओके पीस हैं जी, बिल्कुल। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा मोटरोला। मोटरोला का देख लेते हैं यहाँ पे, मोटरोला में वन फ्यूजन प्लस। ठीक है, यहाँ पे भी इसकी क्वान्टिटी अच्छी खासी है, यहाँ पे भी देख सकते हो, नीचे भी देख सकते हो जी बिल्कुल। और इसकी क्वालिटी आपको मैं दिखा रहा हूँ, कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन होगी, क्वालिटी तो बोल ही नहीं सकते, मोटरोला खुद ही एक ब्रांड है। कंडीशन देखो, ब्रांड न्यू मिलते हैं यहाँ पे सारे फ़ोन। और एक चीज़ और है, हो सकता है मोस्टली फ़ोन नॉन एक्टिवेट निकले। ओके। हो सकता है क्योंकि ये ओपन बॉक्स मोबाइल है, हमें भी नहीं पता तो इसकी एक्टिवेशन डेट क्या है कैसे है, हो सकता है मोस्टली फ़ोन नॉन एक्टिवेट निकले, अदरवाइज कोई हो सकता है कि एक आध महीना पुराना निकल सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि किस्मत के ऊपर है मोस्टली, लेकिन आप फिर भी कह रहे हो कि निकलेंगे ही निकलेंगे, ऐसा निकल भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये आपको मोटोरोला वन फ्यूजन आपको पड़ जाएगा 12800 रुपये का, 12800 का पड़ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, 12800 सारे प्राइस हम यहाँ के बता रहे हैं, बाकी आप इसका मॉडल नंबर डाल के ऑनलाइन से कंपेयर कर लेना। ऑनलाइन ये अप्रोक्स कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलने वाला है, 17-1000 रुपये का ये चल रहा है, और हमारे यहाँ से ये 12800 रुपये का पड़ेगा, 800 का मिलने वाला है जी, 5000 का फायदा है। हाँ जी बिल्कुल। इसी में एक और आता है मोटो का G8। ओके, मोटो का G8 आपको पड़ जाएगा तकरीबन 7500 रुपये का, 7500 का, 7500 रुपये का पड़ जाएगा, ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस होगा। ठीक है, जीबी वेरिएंट सर क्या चल रहे हैं इनके? जीबी वेरिएंट इसका है मोटोला का, कंडीशन आप देख ही रहे हो, 464 में है ये, 464 के अंदर। ठीक है, इसी में एक मोटोला में E7 है, E7 प्लस करके एक मॉडल आता है, मतलब बॉक्स देखने में सारे एक जैसे लग रहे थे लेकिन है मॉडल अलग अलग। ये 7000 रुपये का पड़ जाएगा, यहाँ से 7000 का पड़ जाएगा। हाँ, ये ऑनलाइन 9500 9500 का है ये, मतलब 2500 का सीधा सीधा डिस्काउंट जी बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद एक हम आपको दिखाएंगे गूगल का Pixel 4a। ओके, बिल्कुल ब्रांड न्यू फोन होगा गूगल Pixel 4a जी। कंडीशन देखो पहले तो, एकदम ब्रांड न्यू, और ये हो रहा है स्विच ऑन, और लाइट है सर ये तो जी, बिल्कुल बिल्कुल लाइट है। और आप ये देखेंगे बिल्कुल कुछ भी, सो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू, ब्रांड न्यू है बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कुछ निकल सकते हैं जो एक्टिविटी ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इनकी एसेसरी
पूरी सील पैक है। तो यहाँ से कितने की मिल जाएगी सर? ये अपने यहाँ से पड़ जाएगा आपको 23,300 रुपए का। 30,000 की चीज 23,300 में ब्रांड न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू आपके आगे है। ऑलमोस्ट फोन आप दिखा सकते हैं, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू। कंपनी से वारंटी मिली रही है? हाँ हाँ हाँ, जिस भी आप जो भी मोबाइल लेंगे या जो भी हमारे यहाँ से कुछ भी प्रोडक्ट आप लेते हैं उसकी टोटली केयर वारंटी ही होती है। केयर वारंटी होती है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम आपको देंगे सैमसंग का S20 Plus। सैमसंग S20 Plus, तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूँ, सबकी मिनिमम 10 महीने वारंटी तो आपको मिलती है। मिनिमम 11 महीने सबकी वारंटी मिलती है, मिलती है। हो सकता है कोई नॉन एक्टिवेट भी हो, कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू निकल जाए। तो नेक्स्ट फोन यहाँ दिखा रहे हैं सैमसंग का S20 Plus जी। तो इसको भी ऑन कर रहे हैं सर, और कंडीशन जब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी होने वाली है। ये ऑन हो नहीं रहा, चार्ज नहीं है, बट ये कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू होगी। ठीक है सर, वैसे भी डिस्चार्ज हो जाते हैं फोन रखे रखे जी, बिल्कुल। ठीक है, इसका प्राइस क्या होने वाला है सर? ये ऑनलाइन और आपके पास? ऑनलाइन अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो अप्रोक्स 55,000 रुपए के आसपास शो करता है। अप्रोक्स बता रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है, और ये आपको अगर हम बात करें आपको हमारे प्राइस की, तो ये आपको हमारा प्राइस पड़ जाएगा 41,000 रुपए, 41,000 ओनली। 55,000 की चीज 41,000 में ब्रांड न्यू कंपनी वारंटी के साथ, और क्या लोगे आप सेल का? और साथ में एक ये भी बताना चाहूंगा मैं आपको कि हो सकता है नॉन एक्टिवेट हो, हो सकता है 11 महीने की वारंटी बच रही हो सकता है 10.5 महीने की वारंटी बच रही हो, और ज्यादा पुराना नहीं होता। ठीक है, और अगर मैं इसके यूज की बात करूँ तो यूज ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन भी यूज नहीं होता। ये वेयर हाउस से यहाँ पे आने में जिसमें जो टाइम खराब हो जाता है उस वजह से ये थोड़ा सा वारंटीज की आउट हो जाती है। उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको पोको का M2। ओके, ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस होगा। ठीक है, ये आपको पड़ जाएगा 12,800 रुपए का। 12,800 का जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। इसके बाद इसके दो वैरायटी बहुत ज्यादा क्वांटिटी, मतलब जी बिल्कुल, इसकी क्वांटिटी काफी अच्छी आई हुई है अपने पास। ये कितने सारे हैं और सारे ब्रांड न्यू हैं। इसमें तो मेरे को लग रहा है ज्यादातर नॉन एक्टिवेट निकलने वाले हैं जी, बिल्कुल, इसमें हो सकता है मे बी के ज्यादा फोन नॉन एक्टिवेट निकल जाए अपने। ये है आपका ओप्पो का A52। ठीक है, ये देखो ओप्पो का A52 है, कंडीशन देखो एकदम ब्रांड न्यू है, कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस होगा। आप कहीं से कहीं तक भी स्क्रैच का तो कोई चांस ही नहीं है इसमें। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई किसी के मन में 1% भी डाउट है ना, तो देखो कंपनी वारंटी है, आप यहाँ से फोन खरीदो और अपना कंपनी में लेके जाओ। जी बिल्कुल, आप कंपनी में लेके जाओ, चीज की वारंटी है या नहीं है आप पता करो। और दूसरी बात, क्वांटिटी बहुत सारी है, अपना बिजनेस करना चाहते हो तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती। क्वांटिटी में उठाइए यहाँ से और अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। इसके बाद सर एक एक फ़ोन हम खोल के नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी में अलग अलग वेरिएंट देख रहा हूँ, फिर भी एक आइडिया आप अपने ये इस बार पुनीत भैया, इस बार पुनीत भैया मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि ना वीडियो पे ना बहुत सी बाद में फोन्स पे इंक्वायरीज आती हैं कि भाई आपके पास खाली बॉक्स थे या आपके पास क्वांटिटी थी या नहीं थी, उसकी कैसी कंडीशन थी, आपने कुछ नहीं बताया, रेट नहीं बताया, तो इस करके मैं इस बार थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास तो फालतू टाइम है, मेरी वीडियो बन रही है, आपके पास का फालतू टाइम थोड़ी है जो खाली बॉक्स दिखाओगे जी, आपकी बात ठीक है। ये अपना रियलमी का C12। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस मिलेगा। ओके, किसी भी तरह का कोई स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं होगा। ये आपको पड़ता है 7600, 7600 रुपए का। 7600 रुपए का यहाँ पे पड़ जाएगा। और इसका मैं वेरियंट सबके नहीं बता पा रहा, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन इसका वेरियंट आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह आपको फिर C15 मिल जाएगा, नार्जो 10 मिल जाएगा, 5i मिल जाएगा, आपको X3 मिल जाएगा। मैं एक बार X3 और आपको दिखाना चाहूंगा। और ये तो अभी डिमांड में चल ही रहे हैं, हॉट डिमांडिंग जी, बिल्कुल X3 बिल्कुल ब्रांड न्यू फोन होगा। ठीक है, कोई स्क्रैच नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई भी 1% भी कमी नहीं आएगी। ओके, और ये आपको एक अच्छे से रेट के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये आपको पड़ जाएगा 19,000 रुपए का। 19,000 रुपए का यहाँ से पड़ेगा जी, बिल्कुल 19,000 रुपए का। इसी तरह आपको फिर 7i मिल जाएगा, 7i मिल जाएंगे, 7i की अच्छी खासी क्वांटिटी है जी, बिल्कुल 7i की अच्छी क्वांटिटी है अपने पास। ठीक है, इसके बाद 7 Realme 7, इसके बाद Realme 7 है अपने पास, Realme 7 मिल जाएगा। Realme 7 की अगर मैं बात करूं आपसे, कितने का पड़ेगा सर यहाँ पे? सर ये आपको पड़ जाएगा, कितने जीबी वेरिएंट है? 664 में है ये। ठीक है, 664 का रेट आपको पड़ जाएगा 12,500 रुपए, 12,500 का यहाँ से मिल जाएगा 664। और इनको पुराने में काउंट तो करो ही मत, मैं तो यही कहूँगा क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़ ही आप करते हो, फर्स्ट यूज़र आप होते हो, बस ये है कि एक्टिवेट हो जाते हैं, ओपन बॉक्स में इसलिए कहलाते हैं। ये फ्लिपकार्ट से रिटर्न वाला मटेरियल होता है, जो आपने मंगवाया और आपको पसंद नहीं आया, आपने रिटर्न कराया, वो मटेरियल होता है। तो इसमें हो सकता है कि जिसने मंगवाया था उसने सिम कार्ड डाला हो, या नहीं हो सकता है ना डाला हो, इसलिए आप कह रहे हो कि कुछ कुछ जी, इसी करके हम कहते हैं कि इसका नहीं पता होता। ठीक है, तो ये अपना 7i है, Realme 7 है,
इसके बाद अपने पास कुछ टैब रखे हैं जी, टैब के अंदर डिमांड रहती है सर इनकी जी बिल्कुल। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ आपको, टैब का S6 लाइट ये आपको पड़ेगा 21,000 रुपए का, ये टैब ए सैमसंग का ये आपको पड़ेगा 11,000 रुपए का जी। इसके अलावा एक टैब अपने पास है लेनोवो का M10 ठीक है, ये पड़ेगा 8,300 रुपए का ओके जी। ये तो अपने टैब्स हो गए, प्लस अपने पास जैसे कीपैड आते हैं, कीपैड के भी, कीपैड की अगर मैं बात करूं तो जैसे माइक्रोमैक्स का कीपैड आता है वो 600-600 रुपए में मिलेगा आपको। जैसे कि मैं दिखाई देता हूँ, ये है अपना माइक्रोमैक्स का जी, ये 600 का मिलेगा सर, 600 रुपए का माइक्रोमैक्स में कोई भी मॉडल हो। बात करें तो कितने का होगा ये सब, कोई 800 रुपए, 1,000 रुपए, 1,200 रुपए ठीक है, ऐसे होते हैं इस तरीके से है, लेकिन यहाँ 600-600 रुपए के जी, आप 600-600 रुपए के मिलेंगे आपको ठीक है। कोई सा मॉडल सर? हाँ कोई भी, माइक्रोमैक्स में कोई भी, मतलब आपने फ्लैट कर दिया 600 रुपए फ्लैट जी, 600 रुपए का लो, इसमें 800-1200-1000 सारे मैक्स कुछ भी हो सकता है, वो आपको 600 रुपए का फ्लैट मिलेगा, फ्लैट मिलेगा जी बिल्कुल। इसके बाद एक कीपैड में आता है अपना नोकिया का 3310, काफी डिमांडिंग फोन है, अच्छा फोन लगता है काफी, ये आपको पड़ जाएगा 2,800 रुपए का, 2,800 रुपए का ठीक है सर। ये ऑनलाइन वैसे 4,000 रुपए शो करता है, 4,000 का यहाँ पे 2,800 का मिल रहा है, ये नोकिया का अलग बना रखा है। हाँ जी, ये नोकिया का 105 है ठीक है, ये आपको 900 रुपए में मिल जाएगा ओके। नोकिया की पैड है ये आपको, इसके बाद इधर भी है लावा का की पैड है ठीक है, ये आपको 1,200 रुपए में मिल जाएगा ओके जी। ये कार्बन का की पैड है ये 1,700 रुपए में मिल जाएगा, 1,700 का मिल जाएगा, ये टच स्क्रीन में आ गया, टच स्क्रीन है सर, हाँ ये कार्बन का टच स्क्रीन जी बिल्कुल ठीक है, इसलिए थोड़ा महंगा। छोटे मॉडल्स में यहाँ पे क्वांटिटी अच्छी खासी आप देख सकते हो, ये सारे ऑफिस वर्कर के लिए बहुत यूजेबल होते हैं, और जिनका ऑफिस होता है वो ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं कि मिल जाए ताकि अपने स्टाफ को दे सके। बिल्कुल 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 ठीक है ना। इसके बाद सर और भी चीज़ दिखा रहे थे आप, इसके अलावा अपने पास जो आपको मिल जाएगा वही कंप्यूटर एक्सेसरी मिल जाएगी टोटली, जिसमें गेमिंग कंसोल आते हैं, रिमोट्स आते हैं, कुछ ये फैंस आते हैं, गेम अपना लैपटॉप के फैंस आते हैं ओके, इस टाइप की सारी आपको मिल जाएगी। किसी वगैरह असेंबल करना है तो यहाँ विजिट करो, अपना सामान छाड़ के भी लेके ऑलमोस्ट सामान उसको यहाँ पे मिलता है। एक अपने यहाँ पे ये कीबोर्ड आता है ठीक है, ये मिल जाएगा आपको ओके। उसके अलावा अपने पास आपको एज यूजुअल जैसे पता ही है कि ऑल इन वन आते हैं, अपने पास मॉनिटर्स आते हैं, मॉनिटर मिल जाएंगे आपको सभी तरह के ठीक है, सभी तरह की एसेसरीज मिल जाएंगी, मोबाइल एसेसरीज जो भी आती हैं अपनी। अब ये एसेसरी का अपना नया लोड आने वाला है, ये सारा पैकिंग हो चुका ओके, ये सब कल चला जाएगा, डिस्पैच हो जाएगा कल या परसों में, नया लोड आ जाएगा एसेसरी का जी। ये देखो एसेसरीज पूरी ऐसे आती है पैक ब्रांड न्यू, तो ये चीज़ है जी। और सर एसेसरीज पे क्या फ्लैट रहता है, कुछ एक आइडिया? एसेसरीज पे देखिए आप मान के चलिए 50% के आसपास अपना लेस चलता है, लेस होता और है। वो ही बात आ जाती है कि होलसेल के लिए जो भी लेस होगा वो यहीं पे आने के बाद बताया जाएगा जी, वीडियो में होलसेल का कोई भी मतलब कोई रिटेलर आता है तो उसको 50% मिलेगा। हाँ होलसेलर के लिए तो अलग ही है, होलसेलर के लिए अलग, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, मिक्स ब्रांड पे डिपेंड करता है जी बिल्कुल ठीक है सर।